हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैंने बनाया है प्रसाद, मसाला चना और हलवा और पूरी। मसाला चना में जो बेसिक सूखे मसाले हैं वही हम डालेंगे और हलवा में सिर्फ 2 चम्मच घी से ही हमारा रस वाला हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चना लिया है जिसमें थोड़े से पानी और स्वाद के अनुसार नमक और 1 तेज़पात डालकर बॉयल कर लिया है। और बॉईल होने के बाद अब हम यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 4 हरी मिर्च मैंने ली है, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं। इसमें पानी डालकर हम पीस लेंगे। ये मसाला चना प्रसाद है जिसमें बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए तीखापन आप अपने मेहनत करके देख लीजिएगा। अब इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देंगे। सूखे मसाले में 2 से 3 धनिया का पाउडर जाएगा मसाला, 1/2 इन 1/2 हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये मसाले में जाएंगे और इसे मिला करके हम अच्छे से ढक करके रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम 1.5 चम्मच बॉयल चने को ले ली हूँ और इसे भी हम पीस लेंगे। ये मसाला तैयार हो गया है। बॉयल चना पीस करके डालने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच घी डाल ली हूँ। अब यहाँ पे तड़के के लिए हमने जीरा और हींग ये दोनों डाली हूँ। फिर उस बस जो मसाला हमने तैयार किया था ना, ड्राई मसाला और अदरक और हरी मिर्च का, उसे हम डाल करके अच्छे से भून लेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। और इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये मसाला ओवर कुक ना हो, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएंगे। अब ये तेल छोड़ चुका है तो इसमें हम बॉयल चना डाल देंगे और मिलाएंगे अच्छे से। जो तेज पत्ता का ये है ना, इसे हम निकाल करके फेंक देंगे। अब यहाँ पे सूखे मसाले कुछ डाल देंगे, गरम मसाला और मिक्स मसाला, सब दोनों ही 1/2 चम्मच है। और इसे मिलाने के बाद फिर हम 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, मत डालें। अब जो बॉयल चना हमने पीसा था ना, वो हम डाल देंगे और इसे डालने के बाद अच्छे से मिला करके पकाएंगे। और स्वाद के अनुसार हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम बॉयल जब किए थे तो भी नमक डाले थे। अब इसमें फिर से हम पानी मसाला डाले हैं तो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार आप मिला दें। अब इसे हम पकाएंगे अच्छे से कि जब तक इसकी ग्रेवी सूख ना जाए। अब यहाँ हमारा मसाला चना तैयार है। अब हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है कसूरी मेथी और बारीक कड़ी पत्ता काट करके मैंने डाल दिया है। ये हमारा मसाला चना तैयार है। अब हम बनाएंगे हलवा। यहाँ जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से चीनी ली हूँ, और जितना सूजी है एक कटोरी तो एक कटोरी चीनी जाएगा, लेकिन उसमें 3 गुना ज़्यादा पानी जाएगा। तो चीनी वाला पानी हम तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी जाएगा। और जब चीनी मिक्स हो गया तो अगर आपके पास केसर धागे हैं तो आप डाल दें। मेरे पास नहीं है तो मैंने फूड कलर डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी फूड कलर डाल लें, और दोनों नहीं है तो वो भी छोड़ दें। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और इसे तलने के बाद ना, इसी घी में जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वो आप डालें। मैंने इसमें काजू, किशमिश, बादाम, नारियल ये सब डाले हैं। अब इसी घी में हम सूजी डालेंगे। अब इस सूजी को हम हल्का ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन, स्लो फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे। अब भुनने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और स्लो फ्लेम पे ही भुनना है, तब इसमें हम चीनी वाला पानी डाल करके वो भी स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे, हाई नहीं करना है हमें। अब तब इसे चलाते जाना है। अब ये देखिए, जब ये हल्का सूख जाए पानी तब आप थोड़ा सा ढक दीजिए कि इसके दाने और खिले खिले हों। अब उस पर मैंने इलायची डाल दिया था, थोड़ा खड़ी इलायची। अब फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुना था वो डाल करके हम चला दिए हैं। लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब इसके बाद हम घी इसमें नहीं डालेंगे, बस ये 1 से 2 चम्मच में मेरा हलवा ये तैयार। और देखिए कितना गीला और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो माँ का प्रसाद भी है, और ना तो मैंने सूजी को पीसा है और ना तो इसे बारीक किया है, और ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। तब हम पूरी छान लेते हैं।
पूड़ी के लिए नॉर्मल आटा जैसे हम सानते हैं पूड़ी के लिए, बस वही सानना है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैदा वगैरह या कोई भी चीज़ मैंने सूजी वगैरह नहीं मिलाया है, सिर्फ प्लेन आटा ही है, उसको सख्त गूंधा है मैंने। सख्त आटे का डो बना लेंगे तो पूड़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे पूड़ी भी तैयार है और प्लेट तैयार हो गया हमारा प्रसाद का। मसाला चना, हलवा, पूड़ी ये दोनों तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें।